आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 11। क्वेश्चन है, इफ 1 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर टेकन एट एसटीपी, विच ऑफ द गैसेस विल ऑक्यूपाई ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। और वो क्या है, सीओ है गैस, H2O, CH4 एंड NO। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन है फ्रॉम एवोगैड्रो लॉ। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू होता है ग्राम मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास। तो ग्राम मॉलिकुलर मास क्या, 22.4 लीटर एट एसटीपी, लीटर एट एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड सीओ में देखते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 28 ग्राम। यहां 28 ग्राम कैसे निकला, मोलर मास सीओ का, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 28 हो गया। तो ग्राम ऑफ सीओ, तो यहां पर 1 मोल सीओ का इसकल टू हो जाएगा 22.4 लीटर एट एसटीपी पे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 28 ग्राम सीओ, मतलब 1 मोल सीओ के लिए 22.4 लीटर एसटीपी पर है। यहाँ पे हम मोलर मास निकाले, किसका, सीओ का, मोलर मास ऑफ सीओ हो जाता है 12 प्लस कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16, इसका टू कितना हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। एंड ये हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम सीओ, इसका टू क्या हो जाएगा एसटीपी पर 22.4 लीटर बाय 28 जो आया, तो ये लीटर में एट एसटीपी पर निकलेगा। एंड यह वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, अब ये हो गया सीओ का। अब उसी तरह हम लोग निकालेंगे सिमिलरली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम H2O पर 22.4, और वाटर का कितना निकलेगा 18, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 18 हो गया लीटर एट एसटीपी पर। एंड यहां मोलर मास ऑफ H2O का कैसे निकाले, देखिए यहाँ पे इसका टू, यहाँ वाटर का हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसका टू 18 ग्राम पर मोल। एंड वॉल्यूम, अब उसी तरह वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CH4 बचा हुआ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम CH4 के लिए, CH4 22.4 बाय 16, 16 हो जाएगा CH4 कार्बन 12 और 4 इधर 16 लीटर एट एसटीपी पर। इसी तरह इसका भी निकल जाएगा
and volume occupied by 1 gram NO के लिए हो जाएगा 22.4 और नाइट्रोजन का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को का उसी तरह मोलर मास निकाल लेंगे तो 30 आएगा लीटर एट एचटीपी पर। अब हम यहां से पता कर लेंगे कि 1 ग्राम CH4 16 है तो CH4 विल ऑक्यूपाई मैक्सिमम वॉल्यूम व्हाइल 1 ग्राम ऑफ NO विल ऑक्यूपाई मिनिमम वॉल्यूम एट एचटीपी पर। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 1 ग्राम ऑफ इच फॉलोइंग गैसेस को कैसे ये करेंगे। एवोगाड्रोस लॉ के अनुसार 1 मोल ऑफ गैस का निकालेंगे तो उसका इक्वल टू होता है ग्राम मोल मोलिकुलर मास के, तो ये 22.4 लीटर एट एचटीपी होता है। इस तरह हम लोग मोलिकुलर मास ऑफ सीओ का निकालेंगे, फिर उसी तरह H2O का निकालेंगे, CH4 का निकालेंगे, NO का निकालेंगे, उसमें से हम लोग देखेंगे कि किसका मैक्सिमम है किसका मिनिमम है। थैंक यू।